रामि भो भीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनम अंबिकेशं खड्वांग वरदा भयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम द्वितीयं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो लोग सोमवार के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अष्टमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो लोग सोमवार के दिन प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्राणायाम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करते हैं और शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अगले जन्म में शिवलोक की प्राप्ति होती है और इस जन्म में उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूँ वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रुद्राक्ष से बना छतर चढ़ाने से, रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा से, रुद्राक्ष से बनी माला पहनने से, रुद्राक्ष की माला पर मंत्र जपने से दूर होंगी 9 परेशानियां। अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको रुद्राक्ष के हर पहलू के बारे में बताया। रुद्राक्ष के प्रकार, रुद्राक्ष से कैसे रोगों को दूर किया जा सकता है, करियर के अनुसार हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब आपने कालचक्र में जाना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 9 खास रुद्राक्षों और 9 महा उपायों की, जो आपकी 9 परेशानियों को दूर कर सकते हैं और दिला सकते हैं शिव की कृपा। तो आप भी पूरे 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं या शुरू करें उससे पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। मई 2014 दिन सोमवार, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। रात में 1:35 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र रात 2:06 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। आज सोम प्रदोष व्रत है। आज बच्चों के नामकरण करने का, अन्नप्राशन करने का, बच्चों को पान खिलाने का, मुंडन संस्कार का शुभ मुहूर्त है। और आज जो लोग अपने घर का गृहारंभ करना चाहते हैं, घर की नींव रखना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ मुहूर्त है। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चर्चा। बात करते हैं रुद्राक्ष और उसके उपायों की। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है, उसे चुका नहीं पा रहे हैं या आपका कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस बड़ी समस्या को दूर करने के लिए सोमवार के दिन किस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और कौन सा एक उपाय करना चाहिए जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिले, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव के लिए कहा गया है कि आप अवधर दानी है। हे आशुतोष, आप तो अवधर दानी है और अपने भक्तों के हर प्रकार की विपत्तियों का आप निवारण करते हैं। भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हुए और रुद्राक्ष की उत्पत्ति का महात्म भगवान शिव से है। इस विषय में कई बार हमने आपसे चर्चा की। आज हम रुद्राक्ष के कुछ उन उपायों के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आप सहजता के साथ करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर प्रयोग में आप देखें तो रुद्राक्ष के अंदर बहुत बड़ा चुंबकत्वीय गुण होता है, जहां ये हृदय रोग जैसे असाध्य रोगों में संजीवनी बूटी की तरह लाभकारी है, वहीं इसको धारण करने से मनुष्य का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। इसीलिए तो देवी भागवत में कहा गया है, म्लेच्छ चांडाल और पापी से पापी व्यक्ति भी रुद्राक्ष को पहन करके
पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो आज आपको बताना चाहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा है कि नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख इस संसार में है नहीं, और दरिद्रता का एक रूप कर्ज भी होता है। तो कर्ज से मुक्ति के लिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 12 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को धारण करना चाहिए। अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो 12 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को कच्चे दूध और गंगा जल से धो करके शिवलिंग पर समर्पित करके उसके बाद में सोमवार को स्वयं धारण करना चाहिए। शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म, जिसको विभूति भी कहते हैं, यह भी समर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है विभूति के बारे में देवी भागवत में चर्चा आती है कि जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और स्नान के बाद स्वयं अपने शरीर के नख से सिख तक, अर्थात संपूर्ण शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचता है जहां विभूति ना लगाई जाए, अगर वहां विभूति लगाई जाए और विशेष करके नाभि में, तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षरण होता है, और व्यक्ति एक बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है तो बड़ी बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। उसके बाद में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। विभूति यदि कोई इंसान अपने शरीर में धारण करता है तो भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर सहज ही बन जाती है। यदि आपका मकान नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो ऐसे में कौन सा एक रुद्राक्ष आपको जमीन जायदाद का सुख दिला सकता है, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के राशि फल की। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कैसा रहने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपके दुश्मन सक्रिय होकर के आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, आपकी सावधानी आपको बचाएगी। भाइयों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको छुटकारा मिलेगा। आज आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपका मकान नहीं बन पा रहा है, संपत्ति का सुख नहीं मिल पा रहा हो, तो कौन सा रुद्राक्ष करना चाहिए धारण और शिवलिंग पर क्या करना चाहिए अर्पित, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, मकान और संपत्ति का सुख पाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैसे इसके बारे में तो ये कहा गया है कि 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है, और महिलाएं धारण करती हैं तो रति की तरह वो सुंदर हो जाती हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व तो आभा मंडल बढ़ जाता है। लेकिन इसका एक प्रयोग देखा जाए तो मकान और संपत्ति वैभव के लिए भी इसका प्रयोग, इसे धारण करना लाभकारी माना जाता है, उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर बिलोपत्र अगर चढ़ाया जाए तो जहां ये अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है, वहीं मकान और सुख संपदा के लिए भी ये वरदान साबित होता है। कारोबार बढ़ाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष किस दिन धारण किया जाता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में सफलता के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए 7 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष, या आपने अगर देखा हो कभी तो गणेश रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की वह रचना जो गणेश जी के आकार की होती है, इसको गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। गणेश रुद्राक्ष या महालक्ष्मी का रुद्राक्ष शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। निश्चित रूप से इसको धारण करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसे जातक के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद गरीबों को भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। चलिए, अब बारी है राशि फल की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों को कहीं से धन की प्राप्ति होगी। नया घर खरीदने के लिए सही समय है और आज आपका मन पूर्ण रूपेण शांत रहेगा। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। सफेद चीजों का आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा,
जय माँ विंध्यवासिनी। इसके साथ बारी आती है मिथुन राशि की, तो कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप संतान से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी आपके सामने आ सकती है, लेकिन कारोबार में यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको लाभ मिलेगा और स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या आज पैदा हो सकती है। आज आपको चाहिए ओम बुम बुधाय नमः का जप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। झगड़े और तनाव से मुक्ति पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष करे धारण, आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। आज कर्क राशि के जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म में अपना मन लगाएंगे। आज समाज में आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आत्मविश्वास बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे इसलिए कि अभी शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। ऐसे में आपको चाहिए कि आज अगर घर से आपको निकलना है तो दुर्गा कवच का पाठ करके आप घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए और अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके परिवार में हमेशा झगड़े होते हैं और इस कारण आप तनाव में रहते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष और कौन सा उपाय आपको इस परेशानी से मुक्ति दिला सकता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, यदि पारिवारिक विवाद हो संपत्ति को लेकर के या किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को लेकर तो दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष सोमवार को सफेद रेशमी धागे में या चांदी के चैन में चांदी में मिढ़वा करके धारण करना चाहिए और शिव मंदिर में नारियल का प्रसाद का भोग जरूर लगाना चाहिए और इसे यथासंभव शिव मंदिर में समर्पित करके वहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से निःसंदेह मनुष्य के जीवन का विवाद समाप्त होता है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीना है आगरा से। मीना जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1986 जी, और टाइम है दोपहर में 12:20 जी। सवाल पूछिए। हाँ जी, पूछना चाहती हूँ कि शादी कब तक होगी और सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? पंडित जी देखिए, आपका विवाह प्रश्न जो है उसके मालिक बुध और बृहस्पति इस समय द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। विवाह में वैसे भी आपके अब विलम्ब हो रहा है और अभी भी आपके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके विवाह का योग फरवरी मार्च 2015 में बनेगा, लेकिन उसके पहले आपको कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप मीना जी जरूर करना चाहिए। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पतिम्मे पूर्ते नमः। इस मंत्र का आपको 21 दिन में 41,000 जप करना चाहिए। कमल गट्टे की माला पर पीला वस्त्र धारण करके और हवन भी करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता संपन्नता की बात आपके सामने आएगी। बाराबंकी से कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय। अजय जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, पंडित जी, मेरा जन्म 20 अगस्त 1970 में हुआ था जी। मैं पूछना चाहता हूँ मेरा आगे का भविष्य क्या होगा। हेलो हेलो। हाँ अजय जी, मैं सुन रहा हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और आपके सप्तम भाव का भी स्वामी शुक्र, शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में चतुर्थ दशम बन रही है। वर्तमान तो आपका ठीक नहीं चल रहा है बेटा, लेकिन भविष्य आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप 44वें वर्ष में चल रहे हैं अपने जन्म तिथि के हिसाब से। जिस दिन आपकी उम्र 48 साल होगी उसके बाद आपके जीवन में चारों तरफ सफलता ही सफलता रहेगी। कैसे 9 रुद्राक्ष हमारी 9 परेशानियों का अंत कर सकते हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। इंटरव्यू में सफलता पाने और अच्छी सेहत के लिए हमें कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, इंटरव्यू में प्रायः बच्चे जब जाते हैं तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन होता है, उनके चेहरे का जो हाव भाव होता है वो असंतुलित हो जाता है और इंटरव्यू में बैठे हुए परीक्षक के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। आपका आत्मविश्वास बना रहे और आपके चेहरे पर किसी प्रकार के भय या तनाव का
कोई रंग ना दिखाई दे, इसके लिए जरूरी है कि आप चार मुखी, नौ मुखी या तीन मुखी। चार मुखी रुद्राक्ष जहाँ बुध के अनुकूलता के लिए है, वहीं नौ मुखी रुद्राक्ष मंगल की अनुकूलता के लिए है और तीन मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति की अनुकूलता के लिए है। ये जब तीनों रुद्राक्ष में से कोई भी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर लेते हैं और गुरुवार को कपड़े और अन्न का दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और इंटरव्यू में आपको लगभग लगभग सफलता प्राप्त होती है। अब आपको बता दें कि लगातार आपको पंडित जी बता रहे हैं कि नौ रुद्राक्षों की कौन से नौ उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। राशि फल की बात कर लेते हैं, सिंह राशि की बारी है तो कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन जानते हैं। आज सिंह राशि के जातक आर्थिक बचत करने में कठिनाई महसूस करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में, लोक परलोक के ज्ञान के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन अपने वाणी पर आप संयम जरूर रखिए, धैर्य के साथ आज का दिन आप व्यतीत कीजिए। आज आपको चाहिए कि ओम होम जोम सह यह लघु मृत्युंजय मंत्र, इसका एक माला जप भगवान शिव का ध्यान करते हुए जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की, तो कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि गुस्से पर आप अपना काबू रखें, वरना परेशानी हो सकती है और किसी बात को लेकर के आपका मन भयभीत और अशांत रह सकता है। किस्मत हर जगह आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। आज आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि मसूर की दाल आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। रुद्राक्ष के कौन से उपाय दिलाएंगे कोर्ट केस में जीत, नहीं होने देंगे दुर्घटना और दिलाएंगे पढ़ाई में सफलता, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दर्शकों ने हमारे पहले और दूसरे सेगमेंट को मिस कर दिया है, उनके लिए एक बार फिर से पंडित जी बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए आज ग्रह गोचर की अनुकूलता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। भाइयों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है, लेकिन कोर्ट केस में आपको जीत मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको धन लाभ का संयोग बन रहा है और नया मकान भी आप खरीद सकते हैं। मन शांत रहेगा और यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। सफेद चीजों का आपको दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, संतान सुख में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, कारोबार में लेकिन तरक्की मिलेगी और स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है। ओम बुम बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका पूजा पाठ में मन लगेगा और आपकी कीर्ति बढ़ेगी, पराक्रम से लाभ भी मिलेगा और दुश्मन भी सर उठाएंगे। ऐसे में आपको चाहिए कि दुर्गा कवच का पाठ करके घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आर्थिक रूप से धन संग्रह करने में कठिनाई आएगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी और आज आपको अपने जवान पर नियंत्रण रखना है और ओम होम जूम सह इस मंत्र का जप करना है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके गुस्सा में वृद्धि हो सकती है, मन आपका अशांत हो सकता है, लेकिन भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। मसूर की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आपने राशिफल के बारे में तो जान लिया, कौन सा रुद्राक्ष धारण करने से, कौन सा उपाय करने से मिलती है कानूनी मामलों में सफलता और लगता है पढ़ाई में मन और होता है दुर्घटनाओं से बचाव, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जहां तक कानूनी मामलों में जीत के लिए है तो मैं बताना चाहूंगा पांच मुखी, सात मुखी या ग्यारह मुखी रुद्राक्ष मंगलवार या शनिवार को अपने गले में धारण करना चाहिए और दुर्घटना से बचाव के लिए 11 मुखी
या 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से शनिवार के दिन दुर्घटना का भय समाप्त हो जाता है। अपने इष्ट देव का विधिवत पूजन करके हलवे का भोग लगाने से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी अपनी मनोकामना अधूरी रहती है अगर अपने इष्ट की उपासना करके हलवे का भोग लगा करके और उसे छोटे बच्चों में वितरित किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता सौगुनी मिलती है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थियों को चाहिए 3 मुखी, 6 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष सोमवार को धारण करें और जरूरतमंद लोगों को अन्नदान भी करें। जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर स्थिति में हैं, उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों को रुद्राक्ष एक दाना चांदी के लॉकेट में बनवा करके अगर गले में धारण करवा रहे हैं और बच्चों के लिए अन्नदान कर रहे हैं सोमवार के दिन, विशेष करके चावल का दान, तो निश्चित मानिए कि बच्चों के पढ़ाई में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, भाइयों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। कारोबार करने के लिए सही समय है। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी की पूजा आप जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। रोग औषधि पर आपका पैसा खर्च हो सकता है और आपके शत्रु आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आज आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी जिसके कारण आप थकान भी महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए कि हनुमान बाहु का पाठ आप जरूर कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ अब बारी आती है धनु राशि की। तो धनु राशि वाले जातक आज क्या करें, क्या ना करें, किन बातों का रखें ध्यान और कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन, जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पैसे से जुड़ी हुई हर समस्या आपकी समाप्त होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आज जो भी प्रयास आप करेंगे वो सफल रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। पीले फल का दान किसी धर्म स्थान में करें, इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं वडोदरा के रहने वाले भरत जोशी। ये नई नौकरी पाने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में जानना चाहते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं कि इनकी कुंडली, इनकी नौकरी और इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कुछ कह रही है। पंडित जी बताइए। देखिए भरत जी, आपका जन्म 17 जुलाई 1966 को 5:35 पर प्रातः काल बड़ोदरा गुजरात में हुआ। आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा धन के स्थान में ग्रहण दोष में केतु के साथ स्थित है। यह जहां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, वहीं आपके आर्थिक स्थिति के लिए भी यह एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है। आपके धन भाव का स्वामी सूर्य यद्यपि लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा का स्थान परिवर्तन योग है, लेकिन केतु के साथ चंद्रमा की युति होना आपके धन भाव को परेशानी में डालता है। आपका भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में है। जन्म कुंडली में तृतीय भाव का बृहस्पति और शुक्र हर समय शत्रु बढ़ाता है, धन हानि करता है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी राहु में केतु की अंतर्दशा इस समय चल रही है जो 6 अक्टूबर 2014 तक चलेगी। आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र का एक माला रोज जप किया करें। जहां तक नौकरी में कठिनाई का प्रश्न है तो उसे आपको बताना चाहूंगा कि 19 जून 2014 के बाद नौकरी में आ रही कठिनाई आपकी समाप्त होगी, लेकिन अच्छे समय की शुरुआत 6 अक्टूबर 2014 के बाद ही
हो पाएगी। आपको चाहिए कि आप एक मोटी दशरथ जी का चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की कनिष्ठा में धारण करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक जल से करें। निश्चित रूप से ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा। तो भरत जी उम्मीद यही करते हैं कि पंडित जी के बताए उपाय अगर आप करते हैं तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, राजवन। राजवन जी, आज तो वोटिंग का दिन है, आपने वोट किया फिर कॉल कर रहे हैं या पंडित जी से अपने सवाल के जवाब जानने के बाद कॉल करेंगे, वोटिंग करेंगे? हेलो जी, राजवन जी आपने क्या वोट डाल दिया? जी अभी नहीं। ठीक है, तो अपना सवाल पूछिए और सवाल का जवाब देने के बाद वोटिंग जरूर कीजिएगा। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। कितने साल के हैं आप? जी 13-10-90 है मेरा जन्मतिथि। जी चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो जो भी समय चल रहा है ये बड़े अनुकूल समय आपका नहीं है, बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बनारस में रहते हैं और संकट मोचन मंदिर में जाकर के आप शनिवार के दिन अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7 शनिवार करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो ही जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कविता हैं दिल्ली से। कविता जी आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म पंडित जी 31 जुलाई 1979 को शाम के समय हुआ था। जी मेरे पति के साथ भी काफी झगड़ा होता रहता है, वैसे भी कभी नौकरी भी लगेगी या पता नहीं क्या काम करना चाहिए, इस बारे में बता दो पंडित जी। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका दाम्पत्य जीवन में विचारों की मतभेद की स्थिति है। जब से आपका विवाह हुआ है तब से कुछ न कुछ विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो तो आपको बृहस्पतिवार को अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल आपको चढ़ाना चाहिए और चने की दाल भिगो करके गुड़ का भोग भी लगाना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज मकर राशि के जातकों को चाहिए कि अपना व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रखें। आज कहीं से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी और सुख सुविधा भी आज आपको मिलेगी। वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है। ओम अंग अंगार काय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं और कैसे सावधानियां बरतनी चाहिए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को कारोबार में फायदा मिलेगा, परिवार का सुख और सहयोग भी प्राप्त होगा, यात्रा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ललिता चेन्नई से। ललिता जी पूछिए आपका क्या सवाल है? हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए पंडित जी। मेरा जन्म है 14/9/84 रविवार शाम 9 बजे। जी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती है पंडित जी, कुछ न कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है और मेरा घर में मन भी नहीं लगता, इसके लिए कोई उपाय बताइए। चलिए ललिता जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोग भाव में मंगल और चंद्रमा की स्थिति है, खून से संबंधित आपको बीमारी है जिसके कारण मानसिक रोग भी उत्पन्न हो रहा है। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन तांबे के लोटे में मसूर भर करके किसी धर्म स्थान में दान दीजिए और सोमवार के दिन जितना संभव हो सके शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा देर तक जल चढ़ाइए और बिलपत्र चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। चलिए और अब इसी के साथ बारी आती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, उन्हें किन बातों का रखना है ध्यान जानते हैं। आज मीन राशि के जातक स्वास्थ्य अच्छा रहने से बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी पाएंगे और पुराने मित्रों से आज आपके मुलाकात के संयोग भी बन रहे हैं। आज कहीं रुका हुआ आपका धन भी आपको प्राप्त होगा। आज तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।